ओ भाई साहब, ईवी उसके अंदर संभाल के। क्यों भाई? कौन सी डिग्री लेने के लिए खड़े हो यहाँ पर? बाहर सामान है, उतारियो से काम करिए। हाँ भैया, वही तो कर रहा हूँ। राजू, ऑल सेट। अरे कामाक्षी, तू तू रहने देना, हाथ में लगी है ना तेरे। तू एक काम कर, अंदर जाके आराम कर, यहाँ मैं सब संभाल लूंगा। कोई बात नहीं, मैं तू अंदर जाके रूम देख, रूम जाके पसंद कर, जा। थैंक यू। अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। उसे आपके पास लाना है, सही तिथि पर उसकी बलि देनी है। दीदी प्लीज, कौन नहीं आ रहा? मुझे तो लगा सिर्फ कुछ कमरे होंगे, लेकिन यहाँ तो एक भी रूम नहीं है। ये घर तो उस घर के लिविंग रूम से भी छोटा है। तुमने कोई स्टोर रूम देखा यहाँ पर? नहीं मामा, यहाँ तो अपने लोग ही नहीं संभाले। कोई गेस्ट आ गया तो उसे कहाँ रखेंगे? ये लो, ये अपने हाथों में बांध लो, गुरुजी ने दिया है। जब तक ये हमारे कलाई पे है, हम कितने भी दूर रहे हम एक दूसरे से बातें करवाएंगे। लेकिन याद रखना, अगर ये हमारे कलाई से निकल गए तो हम बातें नहीं कर पाएंगे। आम लोगों के बीच हमें आम लोग बन के रहना होगा। जैसा देश वैसा भेस। जो करने आए हैं वो फटाफट से करके यहाँ से निकलते हैं। वैसे आए हैं तीन, लेकिन जाएंगे चार। अत्विक, अपना ध्यान रखना। अगर कामाक्षी की शादी हो जाती ना तो मैं पुराना घर छोड़ता ही नहीं। फिर वहां पर ऐसा हादसा हो गया, अब जल्दबाजी में क्या मिलता? इससे अच्छा घर मुझे नहीं मिला। बस मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस घर पर अपना कोई बुरा साया लेकर ना आए। अरे समल समल, संभाल के बेटा, संभाल के संभाल के। अरे मेरी गुड़िया, आज ये नया घर कैसा लगा? नया घर इतना सुंदर है, इतना ब्यूटीफुल है, इतना प्रीटी है, ऐसा घर तो मैंने आज तक नहीं देखा। नया घर भूतिया है, भूतिया। सही तो कह रही है, एंड आई एम श्योर यहाँ पे ना कोई इनविजिबल भूत भी होंगे, देख लेना। मतलब अगर किसी घर में ना रहो तो वहाँ चाले लग जाते हैं कुछ सालों में, और यहाँ तो पेड़ लगा हुआ है, तो सोचो कितने सालों से कोई नहीं रहा होगा। नहीं,
कामाक्षी मिल गई। अपने आप कैसे बरसने लग गए। अरे लड़की के हाथ लगाने से देखो छाले ठीक हो गए। आत्विक उसे जल्दी ले आओ, क्या कर रहे हो? क्या हुआ? आत्विक, क्या तुम्हें हमारी आवाज सुनाई दे रही है? उठा लो उस लड़की को। सुन जरा तू सिंगारे मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है? वाओ, I wish मेरा भी एक रूम होता। क्या कहती आरा? प्लीज कॉल मी आरा, ओके? ओके, आरा। पर हम कमरे की बात कर रहे थे। दीदी आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे तब बहुत सारे रूम होंगे, उनमें से हमको एक चूज करना है। आइडिया, क्यों ना हम तुम्हें साथ में रहें? गुड आइडिया, बट तुम लोग। शाशी, तुम्हें नहीं लगता हम तीनों बहनों को एक साथ रहना चाहिए? बहुत मजा आएगा। एक साथ रहना चाहिए। पर क्या है ना, तुम ये रूम देखो, इसका व्यू देखो, ये बालकनी देखो, मतलब ग्रीनरी ग्रीनरी, ऊपर से ये चेयर, मुझे तो यही रूम चाहिए। बात तो सही कह रही हो, लेकिन मुझे लगता है कि हमें ये वाला रूम मामा जी और मामी जी को देना चाहिए। मामा जी को बाहर बैठकर चाय पीना बहुत अच्छा लगता है, है ना आरा? हाँ। नो, क्योंकि जंगली पेड़ वाले कमरे में जब रात को सोओगे और सपने आएंगे तो कीड़े जो चलेंगे ना बॉडी पे। प्लीज, मैं तो नहीं रहने वाली, मेरी स्किन वैसे ही बहुत सेंसिटिव है, मुझे रैशेस हो जाएंगे। मैं तो उसी कमरे में रहूंगी। वाओ, अ लाइव एडवेंचर। तो तू रहना, और मुझे नहीं रहना वहाँ पे। राशी, एक्सक्यूज मी, एक सेकेंड। ये लड़की साधारण नहीं है, कुछ तो खास बात है इसमें।
अस्मी दिख गई है मुझे। इसका मतलब अद्विक और इंदर दोनों भी वही, खत्म कर दो उनको। दूर दूर तक कोई ढंग का कमरा ही नहीं है, ढंग का तो छोड़ो कोई कमरा ही नहीं, रहेंगे कैसे सब लोग? सुमन काम डाउन प्लीज। आप तो हमेशा काम डाउन करते रहते हैं, इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, एडजस्ट कैसे करेंगे? मेरी सुमन है ना, सब कुछ मैनेज कर लेगी। देखो इस घर को तुमने संभाला, मुझे संभाला, मुझे यकीन है कि तुम सब कुछ संभाल लोगी। ओके, वैसे भी तो हमें यहाँ पर ज्यादा दिन तो रहना नहीं है, थोड़े दिन बाद यहाँ से भी जाना होगा, है ना? आपकी भांजी कोई ना कोई अनहोनी तो कर ही देगी, और फिर यहाँ से शिफ्ट होना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद ना थोड़ा सा बड़ा घर ढूंढना प्लीज। सुमन मेरी समझ में नहीं आता कि तुम कामाक्षी को हमेशा दोषी क्यों ठहराती हो। जो कुछ भी है जानबूझ के नहीं करती, वो हो जाता है उससे। कहीं भी गलत काम होता है उससे सहा नहीं जाता, उससे देखा नहीं जाता, और फिर सब कुछ हो जाता है। देखो अभी अभी इस घर में आए हैं, शांतिपूर्वक स्टार्ट करने दो ना। मामी जी, मामी जी डोंट वरी, हमें घर नहीं छोड़ना पड़ेगा। जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ, कुछ भी गलत होता हुआ देखती हूँ, तो मुझसे कुछ ना कुछ हो जाता है और सबको मेरे बारे में पता चल जाता है। लेकिन अगर मैं घर से बाहर ही नहीं निकलूंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तो प्रॉब्लम सॉल्व्ड। मामी जी, हमें घर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अद्विक, अस्मी, सुना तुम दोनों ने, अब तो ये घर के बाहर भी नहीं जाएगी, और घर में इतने सारे लोग हैं, कैसे उठाएंगे हम इसे, कैसे लेके जाएंगे? इसे बाहर लाना होगा। अद्विक, तुम्हें पहले मौका मिला था, तब लड़की को क्यों नहीं उठाया? मुझे पता है क्या करना है, अब जो भी करूंगा मैं करूंगा। अरे सुनिए, ये आप यहाँ पे किसी से मिलने आई हैं? आप कौन हैं? नहीं नहीं, वो मैं अपनी ड्राइवर के लिए वेट कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे पैर पे मोच आ गई है। स्वाद से ठीक तो हैं आप, चाहे तो अंदर आ सकती हैं। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच, मेरा ड्राइवर आता ही होगा, मैं दो मिनट में निकल जाऊंगी यहाँ से। ठीक है, थैंक यू। अचानक ही बारिश, मौसम की ये साजिश जरूर अद्विक ने रची है। तो 10 साल के तप के बाद कुदरत भी अब अद्विक के वश में है। अभी तक तो एक भी बादल नहीं था, अचानक से बारिश कहाँ से हो गई?
मौसम इतनी जल्दी बदल गया। कभी कभी जो काम इंसान नहीं कर सकते वो तूफान कर देता है। मैं समझ गई, इतनी तेज बारिश और बिजली कड़कने की आवाज में वो लड़की चीखी चिल्लाए भी तो किसी को सुनाई नहीं देगा। हाँ, तुम बाइक स्टार्ट करो अस्मी, बी रेडी, अद्विक जब कहेगा तब। अभी यहाँ पर क्या कर रहे हो? बोला भी नहीं, ऐसे चला गया जैसे इसे किसी ने बुलाया था। कोई साधारण आदमी नहीं थे ये लोग। अब इन सबको छोड़ो, अब इस लड़की का क्या करना है? आज का प्लान तो फेल हो गया, कल फिर से आए? आज का काम कल पर टालना मेरी आदत नहीं, हम आज ही करेंगे। अभी 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 कैसे? अभी तो घर में इतने सारे लोग हैं, अब तो उस लड़की ने बाहर आने से भी इनकार कर दिया है। वो आएगी, उसे आना होगा।
जैसा मैं बोलता हूं वैसा तुम कर। नहीं बेटा कुछ नहीं, मेरे ख्याल से बारिश बहुत ज्यादा हुई है ना, उसकी वजह से ऐसे झटके आ रहे हैं। मामा जी ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये सब क्या हो रहा है? सब लोग संभालो अपने आप को। चलो।
कामाक्षी और ये कामाक्षी मामा जी से टूटा नहीं है, हो सकता है मैं तुम्हें बचा सकूं। जड़ें अभी भी मजबूत हैं, जड़ें मजबूत हैं तो पेड़ वापस से खड़ा हो सकता है। मैं कोशिश तो कर सकती हूं तुम्हें बचाने की, वापस से खड़े हो सकते हो, जान है तुम में। की कंडीशन तो देखो, अब कहां जाएंगे, कहां रहेंगे? आपकी भांजी की वजह से हम फिर से बेघर हो गए। अरे अब कामाक्षी ने क्या किया? जो हमेशा करती है आज क्यों नहीं किया इसने? दूसरों का दर्द लेना, टूटू को छोड़ना, यही करती रही है ना? आज तो हमें उसकी मदद की जरूरत थी, तो हमारी मदद क्यों नहीं की उसने? बोलिए, मुझे तो लगता है कि कयामत ही उसकी वजह से। ऐसा मत कहो प्लीज। तो क्या बोलूं मैं? लोग एक घर बसाते हैं और उसी में बस कर रह जाते हैं, लेकिन हमने इतने सारे घर बसाए लेकिन एक में भी बस नहीं सके। दर दर मारे फिरते हैं हम। अब बताइए, पूरे परिवार को लेकर हम कहां जाएं, क्या करें? बोलिए ना। तुम घबराओ मत,
मैंने चिराग को भेजा है, होटल पता करके आता ही होगा। डैड, आसपास कोई होटल नहीं मिली। क्या? अरे आसपास वालों से मैंने पता किया, ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इस वक्त ट्रेवल करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, एकदम रिस्की। यहाँ आसपास में सिर्फ दरिया ही दरिया जा चुका। परम साहब, काम करने का तरीका है ये? तरीका तेरे काम करने का? परम साहब, घंटे से मैं तुझे फोन लगा रहा हूँ, स्विच ऑफ करके बैठा है, ये कर दिया तूने? देख 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 इसको। आई एम सॉरी, आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ यहाँ पर। अरे क्या पहले नहीं हुआ? चूड़िया मामा की तरह पूरा गांव डूबो दिया। अरे मेरी बात तो सुनिए, आपकी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए हमें, हमें घर चाहिए अभी। जी भाभी जी, अब मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। शहर की एक फेमस फैमिली को इसके बारे में पता चला, तो उन्होंने आपको अपने घर में रहने की परमिशन दे दी है, जब तक आपको अपना घर नहीं मिलता। पागल हो गए हो तुम? किसी अनजान व्यक्ति के घर में हम अपने परिवार को लेकर कैसे जा सकते हैं? अरे भाई कौन है ये बड़े दिल वाला जो पूरी फैमिली को इनविटेशन दे रहा है? सर वो एक NRI है, वो अब्रॉड में सेटल है, उनका बेटा यहाँ आया हुआ है और मैं उन्हीं के साथ था। उन्होंने कहा कि एक पड़ोसी ही दूसरे पड़ोसी के काम आता है, आप समझिए ना मेरी बात को। लेकिन ऐसे किसी अनजान के घर रहना, पर अब कोई रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास। सुनिए, कम से कम आज रात के लिए हम उस घर में जा ही सकते हैं। पूरे परिवार को लेकर कहाँ जाएंगे? कोई होटल भी तो नहीं मिलेगा। देखिए सर, मान जाइए, अच्छे लोग हैं वो, आप लोग चलिए मेरे साथ। ठीक है, हम तैयार हैं। आप लोग आइए मेरे साथ, आइए। आदत मत लगा लेना। भाई सुमित जी, मानना पड़ेगा, इस घर के ओनर्स बहुत ही अच्छे हैं, हम उनका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। वैसे हैं कहाँ वो? जी मैंने आप लोगों को बताया था, उनकी फैमिली अब्रॉड में सेटल्ड है, उनका बेटा अभी यहाँ पर आया हुआ है, उन्होंने ही आपकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया था। उनका बेटा? जी। लेकिन है कहाँ? जी वो कामाक्षी, जो मैंने चाल चली है उस जाल में फंसने के लिए तुम खुद आ गई। I'm Advik. Advik Mehra. Namaste Advik ji. Uncle, please आप शर्मिंदा मत कीजिए मुझे, और ये जी मत कहिए मुझे, just call me Advik. Thank you so much बेटा, thank you so much. तुम जानते नहीं हम कितनी मुसीबत में थे और तुम हमारे काम आए। थैंक यू की भी कोई जरूरत नहीं है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी अ गुड नेबर, एक अच्छे पड़ोसी का फर्ज निभा रहा हूँ बस। थैंक यू मुझे कहना चाहिए।
आप नहीं जानते कि आपने मुझे क्या दिया है। मैं तो खुश हूं कि मैं आपकी मदद कर पाया। भोलेनाथ इस गाइड, जिसको जब जहां पहुंचाना होता है वो पहुंचा देते हैं। एनीवे, आप सब लोग थक गए होंगे। फील एट होम, बी कंफर्टेबल, इसे अपना ही घर समझिए। एक्सक्यूज मी, तो आप सब यही हैं, बातें तो होती रहेंगी, आराम कीजिए। सुन जरा तू सिंगारे आरा, सांवरा तू है मेरा। यहां जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में गुरुदेव से बात करनी होगी। कर रही थी आप? धुआं था, मेरी आंखों आंखें जल रही हैं, धुएं की वजह से कुछ आंख में जल गया है। वेट, लेट मी। क्या कर रही थी? मैं आपको ढूंढ रही थी। कमरे में गई तो वहां कोई आदमी था। कौन आदमी? पता नहीं, अजीब सा था। लाल लाल धोती, राख, आग थी वहां पर। अचानक से धुआं हो गया और मैं भाग कर बाहर आ गई। और यही कमरा देखा था ना आपने? क्या कह रही थी आप, क्या देखा आपने? कमरा तो यही था, पर आज आपके साथ इतना कुछ हो गया, आप शायद थकी हुई हैं। हो जाता है। आपको कैसे पता कि मेरे साथ क्या हुआ?
मुझे कैसे पता होगा? आपके आपके मामा जी ने बताया। वैसे आप मुझे ढूंढ रही थी, कुछ चाहिए था? हाँ, मुझे आपसे ये आंखें, मुझे लगा मैंने आपको पहले कहीं देखा है तो सोचा पूछ लूं एक बार। खैर जाने दीजिए, आप सही कह रहे हैं, शायद मैं थक गई हूँ, मुझे चलना चाहिए। गुड नाइट। गुड नाइट। ये आसान नहीं होने वाला। गुरुजी ने कहा था कि कामाक्षी को लेकर जल्दी ही उनके पास जाना है। तुम जो कुछ भी कर रहे हो बिल्कुल गलत कर रहे हो। उन्होंने ये भी कहा था कि गलती से भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मैं सिर्फ ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि वो लड़की है या नहीं। अथवे की ये वही लड़की है, तुम क्या देखना चाहते हो? वो लड़की तुम्हारे पास ही तुम्हारी मुट्ठी में थी, उसका फैमिली भी उससे दूर था। तुम चाहते तो हमारा कार्य वही समाप्त हो सकता था, लेकिन नहीं। क्यों? अद्विक, मैंने जो तुम्हें धागा दिया था वो कहाँ पे है? वो धागा हमें गुरुजी ने दिया था। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। कितनी देर से हम तुमसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें पता भी है? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तुम करना क्या चाहते हो? उस लड़की को जाने दिया, ये घर खरीद लिया, तुम मुझे क्यों नहीं बताते हो? कम से कम मुझे तो बताओ। कौन थे वो लोग? कौन लोग? लोगों ने सोचा कि वो लोग कौन थे जिन्होंने हम पर हमला किया, और हमला किया तो क्यों किया? उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, वो आम इंसान नहीं थे, उनके पास शक्तियां थी, सिद्धियां थी। इस युद्ध में हम अकेले अघोरी नहीं है, बात से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? गुरुजी सालों से, बरसों से इस पल, इस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं। अब उनको पता चला तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। ठीक है, अभी लड़की हमारी मुट्ठी में है ना, तो हम इसको आसानी से उठा सकते हैं। तुम्हें तो ये काम करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, तुम किसका इंतजार कर रहे हो बोलो। ठीक है, अगर तुम नहीं करना चाहते तो मैं अकेली जाके उसको उठा के लेके आती हूँ। रुक जाओ, अब लगता है गुरुजी को बुलाना ही पड़ेगा। तुम्हें उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जय महाकाल। जीते रहो। गुरुजी, ये तो जानबूझकर हार रहा है। कभी कभी किसी को जीतने के लिए हारना भी पड़ता है। लेकिन गुरुजी, आपने तो कहा था ना कि इस लड़की को उठा के लेके आओ। अपनी मर्जी से लाना है, उसे बलि देने के लिए मनाना नहीं, अपितु स्वयं उसे बलि देने के लिए मानना है। वो अपनी मर्जी से बलि देगी तभी वो बलि सार्थक होगी। क्यों, कर सकते हो तुम दोनों ये काम? तो जैसा अद्विक कहता है वैसा करो। जय महाकाल। जय महाकाल। जय महाकाल। बलि के लिए तो वो मान जाएगी, पर उससे पहले उसे मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। सवाल जो सिर्फ मेरे मन में है, और जवाब जो
जो सिर्फ उसके पास है। अरे लड़की के हाथ लगाने से देखो साले ठीक हो गए। अरे मुझे तो ये कोई टोना टोटका करने वाली नजर आती है। अरे ये तो देवी है देवी।